हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं LIC का काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान, जो कि अगर आप कोई लॉन्ग टर्म वाली कोई पॉलिसी लेना चाहते हैं, यानी अगर आप कोई लंबे समय तक लंबी अवधि वाली कोई पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी ये पॉलिसी होती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि जो इसमें बोनस रेट होता है, अगर हम देखें सारी पॉलिसीज़ का बोनस रेट, तो सबसे ज़्यादा इसी पॉलिसी का आपको बोनस रेट मिलता है और काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न आपको मिल जाता है आने वाले सालों के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी पॉलिसी के बारे में और जानेंगे हम लोग कि इस पॉलिसी की बेसिक डिटेल्स क्या होती हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, एज मिनिमम एज क्या होती है, मैक्सिमम एज क्या होती है, प्लान टर्म क्या होता है, सम अश्योर क्या होता है, इसके अलावा अदर बेनिफिट्स में आपको क्या मिलता है, मैच्योरिटी एज क्या होती है, और इसके अलावा टैक्स बेनिफिट्स आपको इसमें क्या मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम अपनी सारी बातों को समझेंगे कि एक एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं और इस टाइप की वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप लोग भी इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ LIC का जीवन लाभ प्लान, जिसका कि टेबल नंबर है 936। फ्रेंड्स, ये प्लान सबसे ज़्यादा दिया जाता है LIC एजेंट के द्वारा, क्योंकि इस पॉलिसीज में काफ़ी ज़्यादा ऐसी खासियत हैं जिसकी वजह से लोग इसको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, एक तो ये लंबे समय तक अवधि वाला होता है, यानी अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म का कोई गोल बना रहा है, यानी कि अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई या फिर एजुकेशन के लिए कोई भी पर्सन प्लान बनाता है, तो फ्रेंड्स ये प्लान काफ़ी सारा अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म के प्लान में आपको इस प्लान में सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ बेसिक इसमें क्या आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्लान शेयर मार्केट से बिल्कुल भी लिंक नहीं होता है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से आपके पैसे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, सेकेंडली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये विद प्रॉफिट प्लान होता है, यानी कि LIC जो भी प्रॉफिट गेन करती है, जो भी इंटरेस्ट कमाती है, उसमें से कुछ परसेंटेज आपके साथ भी, अपने क्लाइंट के साथ भी उसको शेयर करती है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी कुछ होती हैं बेसिक बेसिक सी बातें जो कि आपको भी जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एलिजिबिलिटी, यानी कि क्राइटेरिया क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं क्राइटेरिया में मिनिमम एज की बात करूँ, तो फ्रेंड्स मिनिमम एज होते हैं यहाँ पे 8 साल, यानी कि 8 ईयर। तो फ्रेंड्स, अगर कोई है, कोई भी व्यक्ति है जो अपने 8 साल के बेटे या फिर बेटी के लिए ये प्लान लेना चाहता है, तो फ्रेंड्स वो इसको प्लान को ले सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ मैक्सिमम एज क्या होती है, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम एज होती है यहाँ पे प्लान टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम एज दी गई है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको प्लान टर्म के साथ साथ मैक्सिमम एज भी समझाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें प्लान टर्म के बारे में, तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के प्लान टर्म देखने के लिए मिल जाते हैं। एक हमारा होता है 10-16 का, दूसरा हमारा होता है 15-21 का, और तीसरा हमारा होता है 16-25 का। तो फ्रेंड्स, आपको मैं प्लान टर्म समझाऊँ, उससे पहले आप इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसमें, यानी कि आपको प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, यानी कि लिमिटेड होता है, आपको कुछ समय के लिए ही इसमें पैसे जमा करने होते हैं, उसके बाद इसमें आपको छूट मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको पहले प्रीमियम पेइंग टर्म बताया, जो कि इसमें आपको छूट रहती है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्लान टर्म एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स, जो ये हमारा 10-16 वाला प्लान टर्म होता है, इसमें आपको 10 साल प्रीमियम देना होता है, 16 साल पे आपकी मैच्योरिटी आती है पॉलिसी की। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इस वाले प्लान में मैक्सिमम एज क्या होती है, तो फ्रेंड्स इस प्लान में मैक्सिमम एज होती है 59 ईयर्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं दूसरे टर्म की बात करती हूँ 15-21 की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 15 साल प्रीमियम देना होता है, 21 साल पर आपको मैच्योरिटी आती है, इसमें आपको 6 साल की छूट होती है। पहले वाले प्लान में भी आपको 6 साल की छूट होती है, 6 साल आपको कुछ भी नहीं देना होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्लान में अगर देखें हम 15-21 वाले में मैक्सिमम एज क्या होती है, तो मैक्सिमम एज होती है यहाँ पे 54 साल, 54 ईयर्स। यानी कि 54 साल का कोई व्यक्ति इस प्लान को लेना चाहता है तो वो 15-21 वाले प्लान को भी ले सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे 16-25 वाले प्लान की, तो फ्रेंड्स 16-25 वाला जो प्लान है, इसमें आपको 16 साल प्रीमियम देना होता है,
25 साल पे आपकी मेच्योरिटी आती है, 9 साल आपको कुछ भी नहीं देना होता है LIC में, वो आपके लिए छूट होती है। तो फ्रेंड्स इस प्लान की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज क्या होती है, तो फ्रेंड्स इसमें मैक्सिमम एज होती है 50 साल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 50 साल का है तो वो इस 16-25 वाले प्लान को ले सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम एज डिपेंड करती है प्लान टर्म। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो ये मैक्सिमम एज है ये प्लान के अकॉर्डिंग जो है क्यों दी गई है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने अगर गौर किया होगी, मैंने अपने हर प्लान टर्म में एक चीज़ मैंने आपको बताई कि जो 10-16 वाला प्लान है इसमें 59 ईयर होगी जो मैक्सिमम एज होगी। तो फ्रेंड्स अगर हम 59 यानी कि 59 और 16 को ऐड करते हैं तो इनका यहाँ पे टोटल होता है 75 यानी कि 75। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 15-21 की, तो फ्रेंड्स 21 और 54 को अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो भी इसका बनता है 75। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे 16-25 वाले प्लान की, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको बताई थी 50 साल मैक्सिमम एज, तो फ्रेंड्स 50+25 यहाँ पे बनता है 75। यानी कि तीनों में ही अगर हम देखते हैं तो मेच्योरिटी एज जो है वो 75 आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मेन पॉइंट इसमें यही है कि जो मेच्योरिटी एज है वो 75 ईयर्स होती है, इसी अकॉर्डिंग जो है प्लान टर्म में मैक्सिमम एज दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें सम अश्योर की, तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मिनिमम सम अश्योर है कम से कम 2 लाख रुपये, यानी कि आप कम से कम बीमा अगर इसमें लेना चाहते हैं तो आप इसमें 2 लाख का बीमा ले सकते हैं, और इसका जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा भी नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमम सम अश्योर की, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम सम अश्योर की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती है, आप अपनी जैसी आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप जो मैक्सिमम सम अश्योर है वो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैक्सिमम जो मेच्योरिटी एज है वो तो मैंने आपको बता ही दी, 75 ईयर्स यहाँ पे जो मेच्योरिटी एज है वो होती है। तो फ्रेंड्स ये थी इस प्लान की कुछ बेसिक सी बातें जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको इसके और अदर बेनिफिट्स की यहाँ पे हम लोग बातें कर लेते हैं। फ्रेंड्स अदर बेनिफिट्स में अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ ग्रेस पीरियड के बारे में, तो फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड क्या होता है, फ्रेंड्स आपको अपनी पॉलिसी पे करने के लिए एक ड्यू डेट दी जाती है, एक समय सीमा दी जाती है। अगर आप उस ड्यू डेट के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा नहीं कर पाते तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम और दिया जाता है। अगर आप इस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर में अपनी पॉलिसी को जमा करते हैं तो आपसे कोई भी लेट फीस, कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं होती है, इसको ही ग्रेस पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड जो होता है वो आपके मोड के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड की, तो यहाँ पे आपको 30 दिन यानी कि 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर हम यहाँ पे बात करें मंथली मोड की तो यहाँ पे आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर ग्रेस पीरियड के दौरान पॉलिसी पे डेथ क्लेम आता है तो वो पेबल होता है, लेकिन जो यानी कि जो प्रीमियम पे नहीं किया है वो माइनस हो जाता है डेथ क्लेम से। तो फ्रेंड्स ग्रेस पीरियड के दौरान अगर पॉलिसी पे क्लेम आता है तो वो पेबल होता है यानी कि दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें सरेंडर वैल्यू की, तो फ्रेंड्स सरेंडर की यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपने 3 साल प्रीमियम जमा किया है अपनी पॉलिसी में तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सरेंडर करवाने पे आपको हमेशा लॉस ही होता है, क्योंकि आप जो भी अमाउंट उसमें जमा करते हैं, पे करते हैं, उसका लगभग आपको 60 से 70% ही आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपनी पॉलिसी को कभी भी सरेंडर ना करवाएं, बल्कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप 3 साल बाद अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी पॉलिसी को 3 साल चलाने के बाद अपनी पॉलिसी पे लोन जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स लोन अमाउंट क्या होता है, लोन अमाउंट और सरेंडर जो यानी कि सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू आप अपनी सर्विसिंग ब्रांच से पता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा बेनिफिट है उसके बारे में बताऊँ तो वो हमारा होता है रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी का। तो फ्रेंड्स रिवाइवल का आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। रिवाइवल का मतलब क्या होता है, फ्रेंड्स अगर आपने अपनी पॉलिसी कुछ समय चलाने के बाद आपने अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स विद इन 5 ईयर्स यानी कि 5 साल के अंदर अंदर बकाया प्रीमियम जो भी आपकी पेमेंट है बकाया प्रीमियम राशि के साथ प्लस उस पर जो भी लेट फीस बनती है उसके साथ आप अपनी ब्रांच में पे कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाती है, यानी कि बंद पॉलिसी चालू हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर 5 साल के बाद 6ठे साल अगर आप जाते हैं अपनी पॉलिसी को चालू करवाने के लिए तो आपकी वो पॉलिसी चालू नहीं होगी, आपको दूसरी पॉलिसी लेनी होगी।
तो फ्रेंड्स आप भी अगर अपनी कोई पॉलिसी को रिवाइव करवाना चाहते हैं तो विद इन 5 ईयर्स उसको रिवाइव करवा सकते हैं लेट फीस और जो भी आपका प्रीमियम बनता है उसके साथ। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ पेड अप वैल्यू के बारे में वो क्या होती है, तो फ्रेंड्स पेड अप वैल्यू काफ़ी अच्छी वैल्यू है। अगर आपने 3 साल अपनी पॉलिसी चलाई है और 3 साल चलाने के बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को किसी भी रीज़न से नहीं चला पाते हैं तो आप उसको सरेंडर ना करवा के उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब भी उसका जो समय है, यानी कि अगर वो पॉलिसी 25 साल की है तो 25 साल बाद जो भी उसमें आपने पैसे जमा किए थे, मान के चलते आपने उसमें 50,000 रुपये जमा किए थे और 50,000 रुपये जमा करने के बाद आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो फ्रेंड्स 3 साल में 50,000 रुपये जमा करने के बाद जब आपकी पॉलिसी 25 साल पूरे होते हैं तो फ्रेंड्स उस 50,000 रुपये जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है, जो भी आपका बोनस बनता है, वो आपको उसमें ऐड करके रिटर्न दे दिया जाएगा। तो इसमें आपका जो लॉस है वो बच जाएगा, इनफैक्ट आपको प्रॉफिट ही होगा। तो फ्रेंड्स पेड अप वैल्यू भी काफ़ी अच्छी वैल्यू है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर आप अपनी जो पॉलिसी है उसका अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन चाहते हैं, सेटलमेंट ऑप्शन को लेना चाहते हैं, तो इसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेटलमेंट का जो ऑप्शन होता है इसमें आपको 2 या 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट आप अपने पैसे को लमसम अमाउंट में ले सकते हैं, सेकंड आप अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट आपकी 5, 10, 15 साल की होती है, यानी कि 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें पैसे लेते हैं तो इसमें भी आपको LIC है जो इंटरेस्ट आपको इसको अलग से पे करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अपने पैसे को लमसम प्लस इंस्टॉलमेंट, यानी कि कुछ पैसा आप लमसम में, कुछ पैसा आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें टैक्स बेनिफिट्स की, तो फ्रेंड्स अगर आप भी GST के अंदर में रजिस्टर्ड हैं, यानी कि अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि आप उसमें अपना ITR फाइल करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें आपको टैक्स पर भी बेनिफिट मिलने वाला है। फर्स्ट बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं तो जो आप उसमें प्रीमियम पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80C के तहत एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि आप उसमें जो उसे डिडक्शन बोलते हैं वो आप उसमें ले सकते हैं। सेकेंडरी जो इसमें अमाउंट होती है, जो आपकी मेच्योरिटी होती है, वो भी अंडर सेक्शन 10-10D के टैक्स फ्री होती है, यानी कि उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं कटता है, आपको पूरा पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स टैक्स का भी इसमें आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं राइडर्स की, आपको इसमें कौन कौन से राइडर्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो AD&DB एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। फ्रेंड्स ये राइडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और ये राइडर सभी अपनी पॉलिसी में ऐड करवाते ही करवाते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी भी व्यक्ति की एक्सीडेंट में, यानी कि दुर्घटना में मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी फैमिली को एक अमाउंट होता है जो कि दे दिया जाता है LIC की तरफ से। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर एक्सीडेंट के वजह से अगर बॉडी में कोई डिसेबिलिटी आ जाती है जिसके रीज़न से वो अब काम नहीं कर सकता, तो फ्रेंड्स उसमें भी उसको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें AD&DB राइडर काम करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेकंड राइडर की, तो फ्रेंड्स इसमें होता है PWB राइडर। फ्रेंड्स अगर किसी कोई भी बच्चा, यानी कि कोई नाबालिग के लिए अगर पॉलिसी ली जाती है तो उसमें एक प्रपोजल रहता है। तो फ्रेंड्स वो प्रपोजल अगर कोई भी नाबालिग के लिए पॉलिसी ली गई है तो इसमें PWB राइडर को ऐड किया जाता है। फ्रेंड्स इसका क्या बेनिफिट होता है, यानी कि अगर प्रपोजल है जो कि उस बच्चे की पॉलिसी को चला रहा है, बच्चे की पॉलिसी भर रहा है, क्योंकि अभी वो नाबालिग है और अपनी पॉलिसी नहीं चला सकता, इस रीज़न से एक प्रपोजल बनता है पॉलिसी के अंदर। तो फ्रेंड्स वो प्रपोजल इस पॉलिसी को भरता है, यानी कि जमा करता है। अगर इन केस उस पॉलिसी जो प्रपोजल है उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो इस केस में जितने भी भविष्य के प्रीमियम होते हैं वो माफ़ होते हैं और बच्चे को कोई भी प्रीमियम नहीं देना होता, प्लस मैच्योरिटी के भी उसको बेनिफिट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा PWB राइडर। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें रिबेट की, तो फ्रेंड्स अगर आप ईयरली या फिर हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो आपको इसमें कुछ परसेंट की छूट मिलती है आपके प्रीमियम में, और फ्रेंड्स क्वार्टरली और मंथली में आपको कोई भी छूट नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स अपनी अब हम इन सारी बातों को एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, प्लस हम उसमें डेथ बेनिफिट भी समझेंगे कि डेथ बेनिफिट इसमें क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। मान के चलते हैं कोई मिस्टर कुमार है जिनकी एज है 25 साल और वो प्लान लेते हैं और टर्म उन्होंने चूज़ किया है यहाँ पे 16-25 का। 16 साल उन्होंने प्रीमियम देना है, 25 साल पे मैच्योरिटी आएगी, सम अश्योर इनका है 10 लाख रुपए। सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इनका फर्स्ट ईयर का, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर इनका जो है 47,053 रुपये जाएगा
ईयरली का, और फ्रेंड सेकेंड ईयर से इनका 40,040 रुपये जाएगा, क्योंकि फ्रेंड फर्स्ट ईयर जो है जीएसटी थोड़ा ज़्यादा होता है, नेक्स्ट ईयर से जीएसटी कम हो जाता है, और फ्रेंड जो आपका ये सेकेंड ईयर से जाएगा यही आपका 16 साल तक, आने वाले 16 सालों तक यही आपका प्रीमियम जाता रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपये बोनस, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 25 साल का कितना बनेगा तो फ्रेंड्स वो बनेगा 11,75,000 रुपये। इसके अलावा फाइनल एडिशनल बोनस अगर हम देखते हैं तो वही हमारा बनता है 4,50,000 रुपये। तो फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी यानी कि आज के बोनस के अकॉर्डिंग अगर हम मेच्योरिटी देखते हैं तो वो हमें मिलेगी 26,25,000 रुपये। टोटल प्रीमियम पेड कितना प्रीमियम दिया है, 7,37,653 रुपये प्रीमियम दिया है। फ्रेंड्स ये जो आपकी मेच्योरिटी है थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने अभी ये करंट बोनस रेट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करके बताया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप इसमें टैक्स यानी कि अगर आप जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं तो फ्रेंड्स आपको इसमें टैक्स सेव भी आप करते हैं 30% यानी कि 30% आप यहाँ पर टैक्स सेव करते हैं, यानी कि 2,29,104 रुपये आपका टैक्स सेव हो जाता है इन जब भी आप प्रीमियम भरते हैं इसके दौरान। तो फ्रेंड्स आपको इसमें टैक्स का भी आपको छूट मिलती है, इसके अलावा आपकी मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री होती है। और फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे बेनिफिट पैटर्न है किस तरीके से काम करता है, एज 41 यानी कि 41 साल पे आपको यहाँ पे प्रीमियम आपका स्टॉप हो जाएगा और एज 50 पे इनको मेच्योरिटी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर इनके डेथ हो जाती है पॉलिसी के दौरान डेथ हो जाती है तो फ्रेंड्स अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो यहाँ पे डबल जो है सम अश्योर्ड मिल जाता है, अगर 10 लाख का बीमा होता है तो यहाँ पे 20 लाख रुपये मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर कुछ भी नहीं होता है तो जो मैंने आपको मेच्योरिटी अमाउंट बताया था यही अमाउंट पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाता है, अदर अगर पॉलिसी होल्डर के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके नॉमिनी को वो अमाउंट दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और को भी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।